वेलकम एवरीबॉडी टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ आवर पेपर नंबर थर्ड वेव्स ऑसिलेशन एंड अकॉस्टिक्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फूरियर थ्योरम. ओके दिस इज अ मैथमेटिकल थ्योरम विच शोज दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस एंड this is very interesting theorem. By the application of this theorem, we can express the square wave, sawtooth wave, or triangle wave analysis by the use of Fourier theorem. Okay, Fourier is a French mathematician which derived this theorem in 1822, and from that time, it is very big, very very large, you know, time, 1822. From then, this theorem need no modification. That is, it is a very pure mathematical work doing by the French mathematician J.B. Fourier. So let's see this. और इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आप देखेंगे कि अगर आपको किसी वेव का एनालिसिस करना है, क्योंकि देखिए हम यहाँ जो ये फूरियर थ्योरम यहाँ आपको पढ़ने को क्यों मिली है, इसका रीजन ये है कि वेव को एनालिसिस कर रही है. वेव आप जानते हैं, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करके आए हैं. वेव जिसके पास एम्पलीट्यूड हो, वेव जिसके पास टाइम पीरियड हो, वेव जिसके पास फ्रिक्वेंसी हो, जिसके पास वेवलेंथ हो, ओके जिसके पास वेव स्पीड हो, ओके जिसके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये सब अगर किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन सब के साथ जो डिजाइनेटेड मोशन है वही वेव मोशन है. अगर आप कहते हैं कि कोई कोई एक डिस्टरबेंस है जो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इतने टाइम पीरियड के साथ ट्रेवल कर रहा है, इतने एम्पलीट्यूड के साथ ट्रेवल कर रहा है, इतने टाइम के साथ, ये इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ, ये क्या कह रहा है, आप क्या डिफाइन कर रहे हैं इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उस डिस्टर्बेंस को वेव मोशन के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं. यानी किसी भी डिस्टरबेंस के बारे में अगर ये सब फिजिकल क्वांटिटीज आपको नोन है, दैट आप एम्पलीट्यूड जानते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी जानते हो, उसका टाइम पीरियड जानते हो, उसका वेवलेंथ जानते हो, तो अगर आप उस डिस्टरबेंस को डिजाइन करें तो वो कहलाएगा एक वेव का मोशन. तो फूरियर थ्योरम हमें पहले एक बेसिक मैथमेटिक एक बेस प्रोवाइड कराएगी, और उस बेस को जब हम एक्वायर कर लेंगे उसके बाद फिर हम फूरियर थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उस एप्लीकेशन से आप ये जानेंगे जितनी भी ये वेव्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, स्क्वायर वेव हो, आप फूरियर थ्योरम के यूज से उस स्क्वायर वेव को कैसे एनालिसिस करेंगे, उस स्क्वायर वेव का क्या टाइम पीरियड होगा, उस स्क्वायर वेव की कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, उस फ्रिक्वेंसीज के बीच में कितना उस फ्रिक्वेंसी के बीच में कितना कितना रेशो होगा उन फ्रिक्वेंसीज के बीच में, कौन सी टर्म डिलीट होगी, कौन सी टर्म एग्जिस्ट करेगी. कुल मिला के है कि फूरियर थ्योरम जो है किसी भी वेव को, किसी भी वेव के मोशन को मैथमेटिकली हम कैसे एनालिसिस कर सकते वो प्रोवाइड कराती है. जे बी फूरियर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये काम किया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और आप केवल यही नहीं, फूरियर थ्योरम आप यही नहीं पढ़ेंगे कि जब तक आप बीएससी फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो वहाँ भी आपको न्यूमेरिक एनालिसिस करके शायद एक वहाँ बुक है, वहाँ भी आपको फूरियर थ्योरम से रूबरू होना पड़ेगा. मैथमेटिकल के फिजिक्स के नाम से एक पेपर है, तो वहाँ भी आपको फूरियर थ्योरम को एनालिसिस करना पड़ेगा. तो जरूरी है कि यहीं से अगर आप फूरियर थ्योरम का बेस बनाकर चलेंगे तो ये थ्योरम आगे तक आपके काम आनी है. ओके सो लेट स्टार्ट इट. फूरियर थ्योरम, जे बी फूरियर अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन 1822 पब्लिश्ड अ वेरी यूजफुल थ्योरम बाई विच एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक टर्म्स एंड एनालिसिस.
ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन अगर हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स हो पीरियोडिक फंक्शन हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक टर्म्स एंड इज एनालिसिस्ड. ओके, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एनी फाइनाइट कंटिन्यूअस एंड ए सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन, अगेन नॉट एनी फाइनाइट, फंक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए. तीन कैटेगरी करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनाइट होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन और सिंगल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन हो जो अपने आप को रिपीट कर सके. कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ समेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक टर्म्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज विच आर मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन फंक्शन. इस बात को हम आगे एनालिसिस करेंगे. इट इज नोटेड दैट द थ्योरम हैज टू लिमिटेशंस. इस थ्योरम की दो लिमिटेशंस हैं. पहली लिमिटेशंस देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड. जो डिस्प्लेसमेंट हो फंक्शन का वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस. इसका मतलब क्या है, दैट इज एनी पार्टिकल मस्ट नॉट हैव टू डिस्प्लेसमेंट एट अ सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना. सो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए. इसका मतलब है कि किसी भी पार्टिकल का एक ही इंस्टेंट पर दो डिस्प्लेसमेंट नहीं होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू. और दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है, द डिस्प्लेसमेंट मस्ट ऑलवेज हैव फाइनाइट वैल्यू. इनफाइनाइट वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की नहीं होनी चाहिए. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 mm, 20 mm, ये सब फाइनाइट वैल्यू जो है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट. यानी जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से वो फाइनाइट रहना चाहिए. ओके, द अबाउट टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन ऑल द केसेस ऑफ साउंड वाइब्रेशन. तो साउंड वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो दोनों की दोनों कंडीशन वहाँ सेटिस्फाइड रहती है. ओके, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी पार्टिकल का डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, दो डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए. दैट इज डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी फाइनाइट वैल्यूड. ओके, सो एनालिटिकली फूरियर थ्योरम कैन बी रिटन एज, एनालिटिकली मैथमेटिकली हम फूरियर थ्योरम को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, वाई is equals to f omega t, which is a function of time, is equals to a naught plus a1 cos omega t plus a2 cos 2 omega t, और इस सीरीज को जब आगे तक बढ़ाएंगे तो ये आएगा an cos n omega t, an cos n omega t. इसी तरह से एक दूसरी सीरीज आएगी, b1 sin omega t plus b2 sin 2 omega t plus up to bn sin n omega t. This is my equation number first. Okay. Thus, a complex periodic function can be expressed as a series of sines and cosines of multiples of omega t. Multiples omega t, 2 omega t, n omega t, 2 omega t, n omega t. That is, sine and cosine functions are the multiples of omega t. Omega t, 2 omega t, 3 omega t, 4 omega t, n omega t, and in the same sense, sin omega t, 2 omega t, 3 omega t, 4 omega t, n omega t. So a complex periodic function can be expressed in this form. Mathematically can be expressed in. अगर कोई भी complex periodic function होगा तो आप उसे इस तरह से express कर सकते हैं, in the series of sines and cosines. Okay, equation number first, this equation can be written as this in the shortest form, y equals to f omega t equals to a naught is a constant plus ye wali jo cos ki series hai, ye wali, ye cos ki series ko hum kis tarah se likh sakte hai, summation n equals to 1 to infinity a n cos n omega t. Dekhiye, agar aap n ki value 1 yahan rakhenge to n ki value 1 rakhiye to ye ban gaya a1, एन की वैल्यू यहाँ वन रखिए तो ये बन गया कोस ओमेगा टी. तो ये वाली बन गई, हमें पहले वाली टर्म मिल गई ए वन कोस ओमेगा टी. ओके, एन की वैल्यू टू रखिए तो ये बन गया टर्म मेरे पास ए टू
कॉस टू ओमेगा टी, ए टू कॉस टू ओमेगा टी, तो ये वाला दूसरा टर्म आ गया। इसी तरह से अगर ए की वैल्यू में थ्री, एन की वैल्यू थ्री रखूंगा तो यहाँ बनेगी मेरे पास ए थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी, यानी जो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा यहाँ वो इस तरह से आएगा। और एन की वैल्यू अगर एन रख दूं मैं तो ये बनेगा मेरे पास ए एन कॉस एन ओमेगा टी, द लास्ट टर्म ऑफ दिस कोसाइन सीरीज, द लास्ट टर्म ऑफ दिस कोसाइन सीरीज। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये इस तरह से जब मैंने समेशन में लिखा हुआ है तो ये इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी सीरीज को मुझे बता रहा है, इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसी तरह से हम इस साइन वाली सीरीज को भी लिख सकते हैं। साइन वाली सीरीज को मैंने लिखा समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टू। अब देखिए फिर से एन की वैल्यू वन रखेंगे तो ये बनेगा टर्म मेरे पास बी वन साइन एन की वैल्यू वन ओमेगा टी, तो ये बनेगा मेरे पास बी वन साइन ओमेगा टी। अब एन की वैल्यू को यहाँ टू रखिए तो ये बन गया मेरे पास टर्म बी टू साइन टू ओमेगा टी, बी टू साइन टू ओमेगा टी, ये दूसरा टर्म बन गया। एन की वैल्यू थ्री रखेंगे तो बी थ्री साइन थ्री ओमेगा टी, इसके बाद आने वाला टर्म। और एन की वैल्यू को एन रखेंगे तो बी एन साइन एन ओमेगा टी, बी एन साइन एन ओमेगा द लास्ट टर्म। तो इस तरह से इस पूरी सीरीज को, एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, पहली बात मैथमेटिकली, और इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। समेशन में हम साइन की सीरीज को, साइन की सीरीज को और कोसाइन की सीरीज को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोफिशियंट्स ए नॉट ये वाला कोफिशियंट, ए एन ये वाला कोफिशियंट, बी एन ये वाला कोफिशियंट, लेट अस फर्स्ट इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर टू विद बिटवीन द लिमिट्स टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी, इन लिमिट्स के बीच में। अब जो मैं आगे वर्क करना जा रहा हूं, आगे जो वर्क हम करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर इस सीरीज की डेफिनेट वैल्यू आपको पता करनी है तो आपको इन कोएफिशिएंट्स का पता होना चाहिए, ए नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इनकी वैल्यूज को पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को लिमिट्स है मेरे पास जीरो टू टी, टी इक्वल्स टू जीरो एंड टी इक्वल्स टू टी, इन लिमिट्स के बीच में दोनों साइड ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन टू द राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर टू को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, सो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करता हूं तो जीरो टू टी वाई डी टी इस टर्म का इंटीग्रेशन हुआ इक्वल्स टू ए नॉट दिस टर्म एंड जीरो टू टी डी टी, दिस इज डी टी डी टी एंड प्लस ए वन आ जाएगा यहाँ से ए वन जीरो टू टी कॉस ओमेगा टी डी टी, ये टर्म दे दी जब एन की वैल्यू वन रखेंगे, जब एन की वैल्यू टू रखेंगे तो इससे अगले वाला टर्म आ जाएगा, और जब एन की वैल्यू एन रखेंगे तो ये आ जाएगा ए एन, और इंटीग्रेशन किसका होगा, चूंकि ए एन तो कोफिशियंट है इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, कोफिशियंट तो बाहर आ जाएंगे, जैसे ए वन यहाँ बाहर आ गया इसी तरह ए एन यहाँ बाहर आ जाएगा, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा जीरो टू टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा। इसी तरह से फिर मैं इस सीरीज का इंटीग्रेशन करूंगा बिटवीन द लिमिट्स जीरो टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी, जब इस टर्म का मैं इंटीग्रेशन करूंगा बिटवीन दिस लिमिट तो ये मेरे पास बनेगा पहले वाला जो एन की वैल्यू वन रखने से जो टर्म बनेगा वो बनेगा बी वन साइन ओमेगा टी, तो बी वन आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर और इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी का। इसी तरह से अगर एन की वैल्यू टू रखेंगे तो अगला जो टर्म बनना चाहिए वो बनना चाहिए बी टू साइन टू ओमेगा टी, और इसमें से बी टू बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन टू ओमेगा टी। इसी तरह से जब एन की वैल्यू एन रखेंगे तो जो टर्म बनेगी वो बनेगी बी एन साइन एन ओमेगा टी, और बी एन वहां से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू टी साइन ओमेगा एन साइन एन ओमेगा टी डी टी। जब इन इंटीग्रेशंस को आप करते हैं तो आप ये पाते हैं कि इस इंटीग्रेशन को छोड़कर ए नॉट लिमिट्स जीरो टू टी डी टी, बाकी किसी का भी आप इंटीग्रेशन करके देखिए इन लिमिट्स के बीच में, वो आपको जीरो देंगे, यानी जितने भी इंटीग्रेशंस हैं इस लिमिट के बीच में वो सारे जीरो के
हो जाते हैं। तो जो बचेगा इंटीग्रेशन वो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा मेरे पास, 0 to t y dt, ये हुआ। और जो यहाँ सस्टेन करेगा वो करेगा a नॉट 0 to t and dt। और बाकी जितने भी इंटीग्रेशन आप इन्हें करके देखिए वो सब के सब जीरो हो जाते हैं। ओके, अदर इंटीग्रल्स वेनिसिंग अंडर दिस लिमिट चूजन। इस लिमिट्स के बीच में अगर इन पे इंटीग्रेशन करेंगे, जितने भी इंटीग्रेशन यहाँ लिखे हैं उन सब के वैल्यूज क्या हो जाती है, जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन बचा वो मेरे पास बचा 0 to t y dt, और राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रेशन सस्टेन करेगा वो करेगा a नॉट 0 to t and dt। जब इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टी तो वो मुझे मिलती है वैल्यू a नॉट एंड टी, a नॉट एंड टी। ओके, यहां से मैं ए नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, और जो कोफिशिएंट ए नोट की वैल्यू है वो है 1/t, क्योंकि ये टी इधर जाके डिनोमिनेटर में आएगा, 1/t 0 to t and y dt। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3 व्हिच गिव्स मी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए नोट। ओके, सिमिलरली अगेन हम फिर से, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि हम ए एन की वैल्यू फाइंड करें, और फिर हम अगला जो हमारा टारगेट होगा वो बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और इस तरह से जो तीन कोएफिशिएंट यहाँ यूज हुए हैं सीरीज में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन है, उसमें से उस तीनों कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। सो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स of equation number 2, this is my equation number 2 which is the expansion of this series. So again multiplying both sides of equation number 2, this is my equation number 2, by cos n omega t, and integrate between the limits t equal to 0 to t equal to t. अब की बार हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड में, कोस एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है, कोस एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स, बिटवीन द सेम लिमिट्स टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू टी, इन लिमिट्स के बीच में अब हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, सो लेट्स डू दिस। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहां मल्टीप्लाई करेंगे कोस एन ओमेगा टी की, ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी मेरे पास वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी, और इंटीग्रेशन होगा जीरो से टी के बीच में। ओके, राइट हैंड साइड में ए नोट के साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो टू टी एंड कोस एन ओमेगा टी डी टी। इसी तरह से इन इस टर्म को जब आप एक्सपेंड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, मैं एक बात आपको बता दूं कि यहां समेशन को रिप्लेस किया गया है इंटीग्रेशन से, समेशन को रिप्लेस किया गया है इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में हम ऐसा कर देते हैं। ओके, जब ईएमटी हमने आपको कराई थी तब आपको बताया था कि किस तरह से किन केसेस में, जहां कंटिन्यूअस, जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो हम वहां समेशन को किससे रिप्लेस कर देते थे, इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते थे। ओके, तो इसी तरह से यहां भी हमने समेशन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। सो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं कि कैसे हमने यहाँ तो समेशन है, कैसे यहाँ अपने आप इंटीग्रेशन आ जाता है, कैसे हमने यहाँ, हम कह रहे हैं सीधे कि लेट अस फर्स्ट इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, लेकिन इसमें तो इंटीग्रेशन है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन नहीं है मैं मान रहा हूं, लेकिन इस समेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, जब कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। मैं ईएमटी की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ भी वही फंडा है, जब आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को बोथ साइड्स कोस एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो लिमिट्स हैं हमारी टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू टी के बीच में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स डू दिस। यहाँ हम मल्टीप्लाई किया हमने, y is multiplied by cos n omega t dt and integrating between the limits 0 to t. इसी तरह से हम राइट हैंड साइड पे करेंगे, पहले हम a नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, a नोट को हमने a नोट को मल्टीप्लाई किया cos n omega t से और इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट 0 टू t. जब इस सीरीज का एक्सपेंशन हम करेंगे तो पहला जो टर्म यहाँ बनेगा वो बनेगा a1
कॉस ओमेगा टी, तो ए वन तो चूंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ अंदर जो बचेगा कॉस ओमेगा टी और कॉस एन ओमेगा टी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ये टर्म बनेगी यहाँ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एन इक्वल्स टू वन, ऑन पुटिंग एन इक्वल्स टू वन, ये टर्म बनेगी ए वन बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोफिशियंट है, इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू टी कॉस ओमेगा टी एंड कॉस एन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी एंड कॉस एन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी आएगा इस फंक्शन से जब आप एन की वैल्यू वन रखेंगे, और कॉस एन ओमेगा टी आएगा मल्टीप्लीकेशन से जिससे हमने पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई किया है, पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो ये वाली टर्म बनी। इसी तरह से जब आगे के वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए आएंगे, जब एन की वैल्यू मैं टू रखूंगा तो एन की वैल्यू टू रखेंगे तो ये बनेगी टर्म ए टू कॉस टू ओमेगा टी, तो ए टू आएगा बाहर और कॉस टू ओमेगा टी की मल्टीप्लाई होगी कॉस एन ओमेगा टी से, ठीक है। और लास्ट में जब एन की वैल्यू एन रखेंगे तो ये टर्म बनेगी ए एन कॉस एन ओमेगा टी, तो ए एन आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से और कॉस एन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई होगी कॉस एन ओमेगा टी से, तो ये जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा ए एन आया बाहर लिमिट साइज जीरो टू टी, और यहाँ टर्म बनी मेरे पास कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी, चूंकि कॉस एन ओमेगा टी यहाँ ऑलरेडी था लास्ट टर्म में, इस सीरीज की जो लास्ट टर्म आएगी और कॉस एन ओमेगा टी से हमने मल्टीप्लाई किया तो टर्म बनी मेरे पास कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी, ओके। अब अगली सीरीज पे चलते हैं, इस सीरीज पे चलते हैं, एन की वैल्यू वन रखेंगे तो ये टर्म क्या बनेंगे बी वन साइन ओमेगा टी, और बाहर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे कॉस एन ओमेगा टी से, तो बी वन तो आ जाएगा बाहर, ये आ गया बी वन बाहर, और इंटीग्रेशन हम कम करेंगे बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू टी, बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू टी, और यहाँ हम चूंकि बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोस एन ओमेगा टी से और एन की वैल्यू हमने वन रखी है तो ये बना बी वन जो चला गया बाहर और साइन ओमेगा टी एंड मल्टीप्लाइड बाई कोस एन ओमेगा टी, सो साइन ओमेगा टी एंड मल्टीप्लाइड बाई कोस एन ओमेगा टी डी टी। इसी तरह से जो लास्ट टर्म बनेगी बी एन बाहर आएगा, बी एन बाहर आया और लिमिट्स आएगी जीरो टू टी सेम लिमिट्स, और मल्टीप्लाई होगी साइन एन ओमेगा टी यहाँ से आएगा और कॉस एन ओमेगा टी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तो मेरे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, और इस तरह से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाता है, ओके। अगेन दिस होल इंटीग्रेशन, दिस होल सीरीज इज reduce to these two terms, the left hand side is as it is, the term on the left hand side is as it is 0 to t y cos n omega t dt, look at here 0 to t cos n omega t dt, this is the same term on the left hand side, so this is the same term here, this is the same term 0 to t y cos n omega t dt, and on to the right hand side only this term will survive, only this term will survive, a n 0 to t cos square n omega t dt, that is this term a n 0 to t cos square n omega t, ye term केवल survive करेगी, बाकी किसी भी term का आप integration करके देख लीजिए between these limits वो आपको 0 देगा, बिटवीन दीज लिमिट्स आपको जीरो, केवल ये टर्म राइट हैंड साइड में बचेगी और लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज जो टर्म हमारे पास ऑलरेडी है वही सर्वाइव करेगी, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे पास रिजल्ट है वो ये है दैट इंटीग्रेशन जीरो टू टी वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी, और राइट हैंड साइड में जो टर्म हमारे पास बची है वो है ए एन जीरो टू टी कोस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, ओके। सो since all the integration on the right hand side vanishes under the chosen limits, so isko hum kaise likh sakte hain 0 to t y cos n omega t dt same, left hand side is same, right hand side mein hum 2 se multiply kar rahe hain, 2 se multiply ki humne aur 2 se divide kiya, to ye term bani mere paas 2 cos square theta, theta ki jagah kya hai n omega t, aur 2 cos square theta ko main kaise likh sakta hu 1 plus cos 2 theta likh sakte hain, ye trigonometry ka formula hai। अब an by 2 as it is, an by 2 as it is, so an by 2 as it is, left hand side is as it is, okay। अब
ये जो वन है इसमें मैं इस डी टी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये टर्म बनी मेरे पास जब वन से मल्टीप्लाई होगा इस डी टी का, सॉरी डी टी की मल्टीप्लाई होगी, सो ये टर्म बनेगी मेरे पास यहाँ पहले वाले जीरो टू टी डी टी, और जब कोस टू एन ओमेगा टी से डी टी की मल्टीप्लाई होगी लिमिट्स जाएगी जीरो टू टी, तो ये टर्म बनेगी मेरे पास जीरो टू टी कोस टू एन ओमेगा टी डी टी, ये टर्म बनेगी मेरे पास। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज एज इट इज, राइट हैंड साइड में एन बाई टू इसका जो इंटीग्रेशन होगा, वो डी टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं बिटवीन दीज टू लिमिट्स गिव्स यू टी, लेकिन इसका इंटीग्रेशन फिर से आप इन लिमिट्स के बीच में करके देखिए तो फिर से आपको जीरो देगा, और ऐसा हम बहुत बार कर भी चुके। पावर डिसिपेशन जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम कर रहे थे तब भी हमने इस फंक्शन को वहां सॉल्व किया था और आपको बताया था कि जो इसकी वैल्यू आएगी बिटवीन दीज लिमिट्स वो जीरो आती है, तो ये टर्म हो गई जीरो, तो ये टर्म सर्वाइव किया और ए एन बाई टू एज इट इज, और जीरो टू टी डी टी मुझे देगा टी की वैल्यू। तो यहां से मैं ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टू की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और टी भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ए एन जो मेरे पास दूसरा मेरा कोफिशियंट है सीरीज का उसकी वैल्यू आ गई है ए एन इक्वल्स टू टू बाई टी लिमिट्स जीरो टू टी वाई एन कोस एन ओमेगा टी डी टी वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फोर्थ, ओके। अब मेरे पास जो तीसरा मेरे पास कोफिशियंट है सीरीज में वो है बी एन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा एक्सेप्ट वन थिंग कि इस बार हमने कोस एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब हम साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी का जो प्रोसीजर है वो सेम रहता है, यानी ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर टू, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर टू on both sides by sin n omega t and integrating between the limits, same limits t equal to 0 to t equal to t, इन लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं और दोनों साइड पे sin n omega t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so 0 to t y sin n omega t dt same y से मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो यहाँ क्वांटिटी है वो y है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे sin n omega t से और इंटीग्रेट करेंगे इस क्वांटिटी को बिटवीन द लिमिट्स 0 टू टी। इसी तरह से इस सीरीज में भी हम राइट हैंड साइड में साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 टू टी। तो यहां देख सकते हैं आप कि 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी सेम, ए नोट 0 टू टी साइन एन ओमेगा टी, ए वन पहले वाली टर्म बनेगी कोसाइन सीरीज की, ए एन 0 टू टी कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई साइन एन ओमेगा टी डी टी, और जो लास्ट टर्म बचेगी बनेगी कोसाइन सीरीज की वो बनेगी ए एन बाहर 0 टू टी कोस एन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, प्लस जो फर्स्ट टर्म बनेगी साइन सीरीज की वो बनेगी बी वन, चूंकि एन इक्वल टू वन रखेंगे 0 टू टी साइन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, प्लस लास्ट टर्म जो बनेगी वो बनेगी बी एन 0 टू टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, ये टर्म मेरे पास बनेगी। ओके, सो जब इन लिमिट्स के बीच में आप इंटीग्रेट करते हो तो इस टर्म को छोड़कर बी एन लिमिट्स 0 टू टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती और ऑल द अदर इंटीग्रल्स वेनिसिस। सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास इंटीग्रेशन बचता है वो सेम है 0 टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी, और राइट हैंड साइड पे ये वाली टर्म बचेगी बी एन 0 टू टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी। फिर से वही प्रोसीजर है, बी एन है तो इस इंटीग्रेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म बनी मेरे पास वो बनी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो एन ओमेगा टी है ये किसकी जगह है, थीटा की जगह है, तो ये जो टर्म बनेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2 थीटा,
और थीटा की जगह क्या है एन ओमेगा टी, तो थीटा की जगह क्या है एन ओमेगा टी, सो वन माइनस कोस टू एन ओमेगा टी डी टी, ओके, सो जीरो टू टी वन माइनस कोस टू एन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन किया, डी टी की मल्टीप्लाई वन के साथ होगा तो ये टर्म बनेगा, और डी टी की मल्टीप्लाई कोस टू एन ओमेगा टी के साथ होगी तो ये टर्म बनेगा। फिर से इस लिमिट्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने यहाँ भी ये लिमिट सेम थी हमारे पास, जीरो टू टी कोस टू एन ओमेगा टी डी टी, यहाँ भी ये सेम है जीरो टू टी कोस टू एन ओमेगा टी डी टी, ये फिर से जीरो हो जाएगा, तो ये जो सर्वाइव करेगा ये वाली टर्म करेगी जीरो टू टी डी टी, जो मुझे देगा कैपिटल टी, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, इंटीग्रेशन जीरो टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी, इस बार साइन की मल्टीप्लाई है, वहाँ कॉस की मल्टीप्लाई थी, तो जो मेरे पास बी एन का वैल्यू आएगा वो आएगा बी एन इक्वल्स टू जीरो टू टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फिफ्थ, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फिफ्थ। तो इस तरह से इस सीरीज में जिसको हम फूरियर सीरीज कह रहे हैं, फूरियर सीरीज कह रहे हैं, इस सीरीज में जो तीन कोएफिशिएंट हमने यूज किए थे ए नॉट ए एन और बी एन, इन तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई है, और वो वैल्यूज है ए नॉट की जो वैल्यू आती है वन ओवर टी जीरो टू टी वाई डी टी, ए एन की जो वैल्यू है वो है टू बाई टी लिमिट्स जीरो टू टी वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी, और जो बी एन जो मेरा अगला कोफिशेंट है उसकी वैल्यू है जीरो टू टी टू बाई टी लिमिट्स जीरो टू टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी, यानी जो बी एन वाला कोफिशेंट है उसमें साइन वाली सीरीज एग्जिस्ट करती है, और जो ए एन कोफिशेंट है उसमें कोसाइन वाली सीरीज यहाँ एग्जिस्ट करती है, ये डिफरेंस आप मेनली याद रख सकते हैं। और ए नोट की वैल्यू जो है वो सिंपली जो भी फंक्शन हमें प्रोवाइड कराएगा, जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, और डी टी जीरो टू टी इन लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे, वहाँ से मेरे पास आ जाएगी वैल्यू ए नॉट की। तो इस तरह से हम किसी भी वेव को एनालिसिस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फूरियर थ्योरम। तो यहाँ एक एग्जांपल आपको आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ये पहला एप्लीकेशन ऑफ फूरियर थ्योरम है, और जो पहला एप्लीकेशन हमें भी यहाँ सीखना है वो है द स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव को एनालिसिस करना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फूरियर थ्योरम। और फूरियर थ्योरम में जो हम सीख के आए हैं, हम सीख के आए हैं कि फूरियर थ्योरम को एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फूरियर थ्योरम, और जो उस सीरीज एक्सपांसन में कोफिशियंट आते हैं ए नोट ए एन और बी एन, उनकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हम मटेरियल वहाँ से एक्वायर करके आए हैं, वो नॉलेज हम एक्वायर करके आए हैं, और उस नॉलेज का अब हमें यूज करना है फॉर द एनालिसिस ऑफ अ स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव आपने शायद कहीं ना कहीं आप एनकाउंटर आप इससे हुआ होगा आपका, द स्क्वायर वेव जो स्क्वायर वेव के फॉर्म में चले, स्क्वायर की फॉर्म में आगे बढ़े, ऐसी वेव को हम स्क्वायर वेव कहेंगे। वेव चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट में वेव मोशन, तो एक्चुअली तो स्क्वायर वेव का मोशन होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में ये वेव मोशन करेगी, इसी कारण इसका नाम स्क्वायर वेव है, ओके। और चूंकि ये एक वेव है तो डेफिनेटली इसके पास एम्पलीट्यूड होगा, डेफिनेटली इसके पास टाइम पीरियड होगा, डेफिनेटली इसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, डेफिनेटली इसके पास वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेव स्पीड होगी। तो जो स्क्वायर वेव है उसको हमने कुछ इस तरह से दिखाया है, जो स्क्वायर वेव है जिसको हमें एनालिसिस करना है उसको हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके। सो इस रिप्रेजेंटेशन में आप ये देखेंगे कि स्क्वायर वेव इस तरह से स्क्वायर वेव चलती है, देखिए ये 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 वाला जो फिगर है ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, फिर ये भी एक स्क्वायर है, और आगे भी ये इसी तरह से वेव मोशन करती रहेगी, यानी एक ऐसी वेव जो स्क्वायर के फॉर्म में मोशन करे। और ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल है, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और यहाँ फिर से क्या आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ओके।
आप ये देख रहे होंगे कि ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया है डिस्प्लेसमेंट वाई वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वाई वर्सेस टाइम ग्राफ है। और एक और जो नोटिसेबल थिंग है वो ये है कि इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, और नेगेटिव डायरेक्शन में इक्वल, चूंकि स्क्वायर वेव है तो माइनस ए होगा। और जो एक साइकिल पूरा करने में, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम ये स्क्वायर वेव लेती है वो ये टाइम है, ये टाइम है यहाँ तक का टी, टी टाइम लेती है एक पूरे साइकिल को पूरा करने में, तो ये इसका टाइम पीरियड हुआ टी। यानी आप इस वेव को इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये वेव एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा करने में समय लेती है टी बाई टू, और एक निगेटिव हाफ साइकिल में पूरा करने में भी समय लेती है टी बाई टू। तो ये जो पूरा हुआ टाइम एक साइकिल को पूरा करने का वो हुआ टी, कैपिटल टी। तो इस वेव को इस तरह से हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। इसके फ्रीक्वेंसीज का रेशो क्या होगा, इसके एम्पलीट्यूड्स का रेशो क्या होगा, किस तरह से वेव आगे बढ़ेगी, उस सब को हमें एनालिसिस करना है। ये मेरे पास इस वेव का एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एफ टी को से हम उसे कह रहे हैं वो ए है, ए के बराबर है। आप ये देख भी रहे होंगे ये ए के बराबर है, और जब टाइम कितना है टी इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू टी बाई टू तक, यानी इस समय से टी इक्वल टू जीरो से और टी इक्वल टू टी बाई टू के जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, कांस्टेंट बना रहता है बिटवीन जीरो से टी बाई टू, और फिर टी बाई टू से टी के बीच में चेंज होता है और माइनस ए के बराबर हो जाता है। ये देखिए माइनस ए के बराबर है यहाँ, तो ये जो टाइम इंटरवल है बिटवीन जीरो एंड टी बाई टू, जो वेव का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वाई की जो वैल्यू रहती है वो ए के इक्वल रहती है और एक कांस्टेंट बना रहता है। ये देखिए ये लाइन जो दिखा रही है ये इस इंटरवल के लिए जीरो से टी बाई टू के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी रहती है, ओके। और जो टाइम इंटरवल है टी बाई टू से टी उसके लिए भी एक कांस्टेंट वैल्यू बनी रहती है पर निगेटिव डायरेक्शन में, जो कि बराबर है माइनस ए के। यानी इस इंटरवल के लिए भी स्क्वायर वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट बना रहता है, और इस इंटरवल के लिए भी स्क्वायर वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट बना रहता है। हालांकि जब टाइम इंटरवल होता है जीरो से टी बाई टू तब वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बना रहता है पॉजिटिव ए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, और जब टाइम इंटरवल जीरो से टी बाई टू से टी है तब वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव साइड पे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू इस वेव के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है जो कि टाइम का फंक्शन है, वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है, और वो बराबर है ए के बिटवीन द टाइम इंटरवल टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी बाई टू, और जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन जो कि एक टाइम का फंक्शन है वो है माइनस ए के बराबर, ये देखिए माइनस ए के बराबर, और वो जो टाइम इंटरवल है जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है वो है टी बाई टू से टी, टी बाई टू से टी। तो इस तरह से हम फूरियर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन है। ए नोट किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को। जरूरी है कि वो फंक्शन कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, तो हम कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन और बाय द यूज ऑफ फूरियर सीरीज। सो ये एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, फूरियर सीरीज का इस तरह से एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो y की वैल्यू, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको चाहिए तो वो है बाय द यूज ऑफ फूरियर सीरीज इज a नॉट प्लस a1 वन कॉस ओमेगा टी प्लस a2 टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस अप टू a n कॉस n ओमेगा टी, और फिर साइन की सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो b1 वन साइन ओमेगा टी प्लस b2 टू साइन टू ओमेगा टी प्लस अप टू b n साइन n ओमेगा टी। तो ये एक्सपेंशन हुआ कॉस सीरीज का, ये एक्सपेंशन हुआ साइन सीरीज का, और ये हुआ a नॉट हमारे पास एक कोएफिशिएंट, ओके। अभी हम ये जानते हैं कि ए नोट की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड से, इक्वेशन नंबर थर्ड से जो हम अभी स्टडी करके आए हैं, ए नोट की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ए नोट का जो फॉर्मूला हम यहां स्टडी करके आते हैं वो ये है,
वन ओवर टी जीरो टू टी वाई डी टी, जब इन ये है। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो टाइम इंटरवल है जीरो से टी के बीच का, ये यहाँ दो भागों में बटा हुआ है। एक है जीरो से टी बाई टू, जब वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहता है ए, और एक टाइम इंटरवल है टी बाई टू से टी, जब वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहता है माइनस ए के बराबर। तो इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन को, जिसकी लिमिट से जीरो से टी, जिसकी लिमिट है जीरो से टी, हम इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं। पहला जो हाफ है वो है जीरो से टी, जो जीरो से टी बाई टू, जो इस स्क्वायर वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और दूसरा जो टाइम इंटरवल है वो है टी बाई टू से टी, जो इस स्क्वायर वेव का निगेटिव हाफ साइकिल है, जो स्क्वायर वेव की निगेटिव हाफ साइकिल है। ओके, तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सो दिस इज माई फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशियंट ए नॉट इज वन बाई टी जीरो टू टी वाई डी टी, दिस इज माई फॉर्मूला। और चूंकि मुझे पता है कि इस टाइम इंटरवल को मैं दो भागों में तोड़ रहा हूँ, तो इस इंटीग्रेशन को भी मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ, वन बाई टी इज सेम इंटीग्रेशन जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू, और इसके लिए जो वाई की वैल्यू रहती है वो ए के बराबर रहती है। सो ए डी टी प्लस टी बाई टू से टी, ऐसा इंटीग्रेशन हम बहुत बार करते भी हैं जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टडी करके आते हैं, तो ऐसा हम बहुत बार करते हैं, वहाँ लिमिट्स को हम तोड़ते हैं, कभी जोड़ते हैं। और जो ये टाइम इंटरवल है टी बाई टू से टी, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है मेरे पास माइनस ए, इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है मेरे पास माइनस ए, तो माइनस ए हमने यहाँ पुट कर दिया, y की वैल्यू हमने माइनस ए इस इंटरवल के लिए t बाई टू से t के लिए, t बाई टू से t के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है माइनस ए, तो हमने यहाँ माइनस ए पुट कर दिया। इस माइनस की वजह से ये जो पॉजिटिव का साइन था ये हो गया निगेटिव। सो जीरो से t बाई टू ए डी टी माइनस t बाई टू से t ए डी टी, चूंकि a यहाँ भी कॉन्स्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो कॉन्स्टेंट बना हुआ है इस इंटरवल के लिए भी, इस इंटरवल के लिए भी, तो a यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये टर्म बनी मेरे पास a बाई टी, और यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो टी डी टी का होगा, और डी टी का इंटीग्रेशन होगा बिटवीन लिमिट्स जीरो से टी बाई टू, और यहाँ भी टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन होगा जो होगा टी के बराबर, और लिमिट्स आएंगी टी बाई टू से टी, तो इसका इंटीग्रेशन देगा मुझे टी बाई टू, ए बाई टी सेम है, माइनस साइन आएगा, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट टी बाई टू, टी बाई टू माइनस टी बाई टू गिव्स मी टी बाई टू, देन टी बाई टू माइनस टी बाई टू गिव्स मी जीरो, so the value gives me zero, this zero, so the value of the coefficient a naught, the value of the coefficient a naught in the case of a square wave is zero. So इस सीरीज की अगर बात करें तो ये जो कॉफिशेंट है a naught ये जीरो हो जाएगा, ये कॉफिशेंट जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो गया स्क्वायर वेव के केस में, स्क्वायर वेव को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो स्क्वायर वेव के केस में जो फूरियर सीरीज में कोएफिशिएंट आता है ए नॉट, इसकी वैल्यू जीरो आती है स्क्वायर वेव के केस में। ओके, अब जो हमारे पास दो बचे हुए कोएफिशिएंट्स हैं ए एन और बी एन, उनकी वैल्यू को हम जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें हम स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन।